गुड इवनिंग इंडिया, वेलकम टू एडिटर्स चॉइस। प्राइम टाइम के सबसे बड़े शो के साथ मैं रूप। काउ विजिलेंटीज का दौर है। गोरक्षा और बीफ के मुद्दे पर देश में एक बहस का माहौल बना हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी दौर में मोदी सरकार में नए नवेले मिनिस्टर बने अल्फोंस बोलते हैं कि जिन टूरिस्ट को बीफ खाना है वो अपने देश से खाकर आएं। गाय और बीफ के नाम पर परवान चढ़ी बहस में सोल्यूशन क्या है, इस पर खास नजर डालेंगे। सोल्यूशन तलाशने की कड़ी में हम बात इंडिया चाइना के रिश्तों की भी करेंगे, जहां फिलहाल उस बर्फ के पिघलने के आसार नहीं दिखते जो सालों से जमी है। साथ ही ये भी सोल्यूशन तलाशेंगे कि अपने देश में कुछ शहरों की आबोहवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल है, उनके लिए रास्ता क्या है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। वेटरन जर्नलिस्ट सुनील रमन हमारे साथ होंगे, साथ ही विजय त्रिवेदी हमारे सीनियर एडिटर और अनिल आनंद भी होंगे जो डीएनए और एचटी जैसे बैनर्स के साथ जुड़े रहे हैं। लेट्स बिगिन विद एडिटर्स टॉप थ्री। अगर कोई बीफ खाना चाहता है तो अपने देश में खाकर आए। इंडिया आने वाले टूरिस्ट के लिए नए टूरिज्म मिनिस्टर अल्फोंस कन्नाथानम का यही पैगाम है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि देश में गोरक्षा और गोरक्षकों के मसले पर विवाद उठते रहे हैं। एडिटर्स चॉइस की टॉप स्टोरी में अल्फोंस के इस बयान के मायने और होलिकाओ की पॉलिटिक्स का खास एनालिसिस। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के स्टेटमेंट से चीन भड़क गया है। जनरल रावत ने दो मोर्चों पर जंग के हालात की बात कही थी और ये भी कहा था कि ताकत दिखाने का दौर शुरू हो चुका है। ये सब तब हुआ है जब हाल ही में डोकलाम के डेवलपमेंट और ब्रिक्स के साझा घोषणा पत्र को लेकर वाहवाही लूटी जा रही थी। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या चीन और इंडिया के रिश्तों में जो पेंच फंसा था वो वैसे ही है। एडिटर्स चॉइस में हमारी दूसरी टॉप स्टोरी इसी की पड़ताल करेगी। सावधान, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें जहर है। नासा के भेजे सैटेलाइट से जो डाटा मिले हैं उनके एनालिसिस से दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट आई है। इन शहरों में दिल्ली, लखनऊ, आगरा समेत इंडिया के कई शहर हैं। इस जहर की काट क्या है, एडिटर्स चॉइस की तीसरी टॉप स्टोरी इसी को तलाशेगी। एडिटर्स चॉइस में आज की टॉप स्टोरी का रुख करते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर अल्फोंस के बयान से एक बार फिर बीफ विवाद गर्म हो गया है। नए नए सेंट्रल मिनिस्टर बने अल्फोंस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कह दिया, जिस विदेशी पर्यटक को बीफ खाना हो तो अपने देश से खाकर आएं। मंत्री जी ने ये बयान देने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स पर शायद विचार नहीं किया। भारत जैसे बड़ा और डाइवर्स कल्चर वाला देश टूरिस्ट को कोई खास अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जबकि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कंपैरेटिवली हमारे यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। मंत्री महोदय चाहते तो बीफ पर पूछे गए सवाल से कन्नी काट कर बच सकते थे, लेकिन उन्होंने तो विवाद को और हवा दे दी। That's a cock and bull story. They can eat beef in their own country and come here, yeah. Come on. That's a cock and bull story. सुनील, ये जो स्टेटमेंट है अल्फोंस साहब का, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्या ये अपने बॉसेस और संघ परिवार को खुश करने के लिए उन्होंने किया है, या वो बाहर के टूरिस्ट को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। मुझे लगता है मीडिया जो है गंभीरता से कुछ विषयों पर चर्चा करने की जगह इन हर छोटी चीज को जो है बड़ी बात बना रहा है। एक दिन पहले भारत के नए पर्यटन मंत्री हैं, एक दिन पहले उन्होंने कहा कि केरल में लोग बीफ खाते हैं। बीफ का मतलब क्या हुआ, गौ मांस हुआ या भैंस का मांस हुआ? केरल जाके खा सकते हैं आप, उत्तर पूर्वी भारत में जाके खा सकते हैं, गोवा में खा सकते हैं आप। सेक्स टूरिज्म के अगर तलाश में निकलेंगे, पर्यटक निकलेंगे तो बैंकॉक जाते हैं ना, उनको पता है दिल्ली नहीं आना, उनको बॉम्बे नहीं आना। तो सही बात कही कि आप यहां पे आएंगे आपको गौ मांस नहीं मिलेगा, जो कुछ खाना है आप खा के आ जाइएगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और मुझे बताइए कितने लोग हैं जो इस विवाद में जो है चुटकी ले रहे हैं और मीडिया वाले टीआरपी अपनी रेटिंग बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनमें से कितने लोग ने गौ मांस खाया या भैंस का मांस खाया हुआ है? जी सुनील, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। और टूरिज्म मिनिस्टर अल्फोंस ने हाल ही में हुए कैबिनेट रीशफल में अपनी जगह बनाई है। पेशे से ब्यूरोक्रेट अल्फोंस का यह बयान बीजेपी की बदलती हुई रणनीति का संकेत देता है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से अल्फोंस मेघालय के प्रभारी हैं।
बीफ का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन वोटर्स के लिए बेहद अहम है। उनके पहले अरुणाचल प्रदेश से आने वाले मंत्री किरण रिजिजू भी बीफ के समर्थन में बयान दे चुके हैं, इसीलिए बीजेपी स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना स्टैंड डाइल्यूट कर रही है। अनिल, क्या है बीजेपी की रणनीति हिंदी पट्टी के लिए अलग, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और केरल जैसे राज्यों के लिए बिल्कुल अलग? देखिए, अल्फोंस ने जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट ही दिया है, मुझे लगता है कहीं वो पॉलिटिकली दोनों फ्रंट पे वो कहीं मतलब सूट नहीं करता है। ना तो वो मेघालय के इंचार्ज हैं, ना तो वहाँ ये स्टेटमेंट सूट करता है, ना ही जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो केरल से, और ये कहा जा रहा है कि उनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि बीजेपी अपना आधार वहाँ बढ़ाना चाहती है, तो वहाँ भी। और तीसरा फ्रंट उनका जो टूरिज्म मिनिस्टर का जो है, टूरिज्म मिनिस्टर का अगर आप किसी को इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि घर से खाना खा के आ जाओ और फिर हमारे यहाँ टूरिज्म करने आओ, तो कोई क्यों आएगा? और मैं सुनील जी से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि मीडिया टीआरपी बनाने के लिए ही यही कर रहा है। तो आपने जैसे शुरू में कहा, अल्फोंस खुद भी अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अल्फोंस की एक पर्सनैलिटी ऐसी है, वो बड़बोले ऑफिसर भी जाने जाते थे जब वो ब्यूरोक्रेट थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आदत जो है, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो अब राजनीति जी अनिल, मुझे पता है आप केजे अल्फोंस को एक अच्छे तरह जानते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, और अपने रिपोर्टिंग डेज में आप कई बार उनसे मिले। सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर अल्फोंस के हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया था कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी और बीजेपी के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं। बीजेपी को अब तक क्रिश्चियन वोट्स नहीं मिलते थे, इसलिए उसी समुदाय से आने वाले अल्फोंस को आगे किया गया। बीजेपी अपने मंत्रियों के जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि बीफ से परहेज तो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विजय, आपने बीजेपी की राजनीति को बेहद करीब से देखा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी नए वोटर्स जोड़ने के लिए नई रणनीति बना रही है? क्या ये बयान भी अमित शाह के मिशन 350 का एक हिस्सा है? बिल्कुल आरुप, उससे 350 से भी पहले, अभी दो दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बैठक की जिसका फोकस ही केवल नॉर्थ ईस्ट है, बीजेपी फॉर नॉर्थ ईस्ट करके, और उसी के तहत जो अल्फोंस साहब हैं उनको मेघालय का भी जिम्मा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर ईसाई जो वोटर है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो जो लोग पहले समझ रहे थे कि केरल के लिए उनको बनाया गया, अभी उनकी जो मौजूदा या फिलहाल जो ज़रूरत थी वो थी मेघालय और त्रिपुरा के लिए, इसलिए अल्फोंस को लाया गया दिल्ली से केरल और केरल से मेघालय लाकर, और फोकस उसी पर किया जा रहा है। बीफ की बात को लेकर जिस तरह से अनिल साहब ने भी कहा और सर उन्होंने भी कहा, तो एक कहावत होती है हिंदी में कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो क्रिश्चियन भी हों केरल से भी हों उसके बाद बीजेपी में आ जाएं, तो बीजेपी के लिए लॉयल्टी जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि बीफ के खिलाफ कुछ बयान दिया जाए। हालांकि किरण रिजिजू साहब उनके साथ हैं, वो कह ही रहे हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाया जाता है, तो बीफ को लेकर उस तरह की आपत्ति नहीं। लेकिन विजय, मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जैसे सुनील रमन ने ये डिस्कशन चालू किया और उनका मानना है कि ये बेवजह मीडिया इस बात को उछाल रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। मीडिया को आप मौका देते हैं तब इशू उठा रहे हैं। किसी ने अल्फोंस साहब से जाकर नहीं कहा था कि आप ये बयान देंगे, अल्फोंस ने जब बयान दिया तो उसका इंटरप्रिटेशन मीडिया अपने तरीके से कर सकता है, और इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक टूरिज्म मिनिस्टर अपने यहाँ पर वेलकम करने की बजाय एक तरह से ये बयान दे रहा है, तो वो तो टूरिज्म के खिलाफ है, वो टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पर भी ठीक नहीं है, और जैसे अनिल जी ने कहा वो मेघालय के वोटर्स के लिए भी ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश जहां टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ की असीम संभावनाएं हैं, वहां टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पर अल्फोंस की जिम्मेदारी देश में टूरिस्ट की संख्या बढ़ाना है, न कि बेवजह विवाद पैदा करना। विकास की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एडिटर्स चॉइस में अब आज की दूसरी टॉप स्टोरी, चीन आखिर चाहता क्या है? चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिश्तों में कभी गर्मी नहीं रही, संदेह और अविश्वास का लंबा इतिहास रहा है। भारत इन दोनों पड़ोसी मुल्कों से जंग लड़ चुका है, इसलिए जब भी इन देशों के साथ रिश्तों की बात आती है तो इनमें गर्माहट की जगह बर्फ की परत चढ़ी होती है। लेकिन हाल में चाइना के साथ डोकलाम के मसले पर 72 दिनों से जो स्टैंड ऑफ चला आ रहा था वो खत्म हुआ, तो क्रेडिट हमारी डिप्लोमेसी को गया, और फिर ब्रिक्स समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद की चर्चा से माना गया कि ये इंडिया के स्टैंड को एंडोर्स करता है। फिर पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट की बातचीत में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को पीछे छोड़कर आगे चलने की बात हुई, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो दो कदम आगे और एक कदम पीछे हटने जैसा है। बड़ा सवाल ये कि क्या चाइना के साथ इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उससे हम आगे चलने को तैयार हैं? ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है?
टाइमलाइन पर निगाह डालें तो लगता है कि दोनों देशों के बीच पहले भी सब कुछ नॉर्मल नहीं था और आने वाले दिनों में भी बहुत उम्मीद नहीं दिखती। नॉर्दर्न कमांड को हेड कर रहे जनरल देवराज अनबू का एक स्टेटमेंट अहम है। हालांकि वो पाकिस्तान को लेकर है, लेकिन हमारी आर्मी के हौसले और तेवर को जताने के लिए काफ़ी है। जनरल अनबू ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी LOC को पार करके दुश्मनों पर हमले से परहेज नहीं करेगी। इससे एक ही दिन पहले आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने देश को दोहरे मोर्चे पर जंग के लिए तैयार रहने की बात दोहराई थी। इसी साल 8 जून को भी जनरल रावत बोल चुके हैं कि देश को चाइना और पाकिस्तान से दोहरी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान से बिफरे चाइना ने 29 जून 2017 को इंडिया को धमकी दी कि वो इतिहास से सबक ले, यानी चाइना इशारों में 1962 की लड़ाई का हवाला दे रहा था। अब दोबारा चीन ने भारत से पूछा है कि जनरल के इस बयान से क्या सरकार इत्तेफाक रखती है या ये रावत का निजी बयान है। चाइना और इंडिया के रिश्तों को हाल के दिनों में डोकलाम मसले के लिहाज से भी देखा जा रहा है। डोकलाम में 72 दिनों तक भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ रहा, फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए इसे दूर किया गया। हालांकि खास बात यह है कि चाइना की फौज विवाद वाली जगह से 150 मीटर ही पीछे हटी। ये भी माना गया कि चाइना में ब्रिक्स सम्मेलन होना था जिसमें PM मोदी को भी शामिल होना था। इसको देखते हुए भी चाइना स्टैंड ऑफ खत्म करने पर राजी हुआ। फिर बाद में PM मोदी की चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दूर करने पर खास जोर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर चाइना अपने पुराने रुख पर दिख रहा है और इंडिया की भी पोजिशन करीब करीब वही है। सुनील, आखिर आप क्या मानते हैं, पहले चाइना ने डोकलाम पर नरमी दिखाई और अब तेवर वही पुराने, भारत और चाइना के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब अपने आर्मी चीफ के बयान को देखें तो क्या आपको लगता है कि चाइना से रिश्ते आने वाले दिनों में नॉर्मल हो सकते हैं? इसमें दो मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला यह है कि जो आर्मी चीफ रावत ने जो भाषण दिया था वो विशेषज्ञों के साथ बैठ के क्लॉज के एक लेक्चर में दिया था और लेक्चर का जो टॉपिक था वो था कि आधुनिकीकरण और भविष्य में किस तरह का युद्ध लड़ा जाएगा। ये उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम दोनों फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा सेना को मजबूत करने के लिए भविष्य में हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें इन दोनों फ्रंट पे एक साथ यानी पाकिस्तान और चीन के साथ 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 लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब किस तरह का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, किस तरह से साधो सामान खरीदना पड़ेगा। ये 2008 में जब AK एंटनी भारत के रक्षा मंत्री थे उन्होंने आला कमांडरों को यह निर्देश दिया था कि अब जब आने वाले सालों के लिए आप रणनीति बना रहे हैं जो कि आपको पता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनती है उसमें आप इसको मद्देनजर रख के आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगर दोनों फ्रंट पर आप लड़ेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। ये परिपेक्ष था जिसमें उन्होंने ये भाषण दिया क्लॉज के लेक्चर में। उन्होंने कभी किसी को धमकी नहीं दी कि हम लड़ने को तैयार हैं और जिस तरह से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है हमारी इस समय हमारी कुवत भी नहीं है हम कि दोनों के साथ एक साथ लड़े। सुनील भाई, आपको इंटरप्ट करके इस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि ये जो स्टैंड ऑफ रहा और उसके बाद जिस तरीके से इसको डिफ्यूज किया गया, ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि म्यूचुअली दोनों पार्टियों ने अग्री किया कि हम पीछे हटें, चाइनीज मीडिया ने इसकी बहुत हंसी उड़ाई है और कई चीजें इंडिया के खिलाफ बोला है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं और इसमें क्या कोई छोटी मोटी मिस रिपोर्टिंग का भी एंगल है? चीन जो है हमेशा उसका दोहरा चेहरा है। 1960 से ले लीजिए, 1960 से लेकर 2013 तक चाउ एन लाई जब भारत आए थे उन्होंने जो है मैप के कुछ हिस्सों को मान लिया था कि कुछ हिस्से जो है भारत के हिस्से हैं। अगले साल 1960 में उन्होंने कहा कि वो हिस्से हमारे हैं। वो लद्दाख के क्षेत्र में तो जहां जहां सीमा पे मतभेद है चीन हर कुछ साल में वो कहता है कि ये हिस्सा हमारा है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास जो है 9वीं सदी का क्या कहते हैं मैप है, 16वीं सदी का हमारे पास मैप है और मेरी बातचीत, क्योंकि अब खास बात यह बता दूं कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करने वाले उनमें से एक जो MK नारायणन है उनसे मेरी एक बार उनके सेवानिवृत्त होने के बाद लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा चीन के पास जो हर चीज का नक्शा है 16वीं सदी 13वीं सदी 9वीं सदी के नक्शे हैं, वो नक्शे दिखा के कहते हैं कि ये हिस्सा हमारा है। तो उनके दोहरा चेहरा है। डोकलाम में उन्होंने जो है उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है भूटान के सरजमीन पे बैठ के कहेगा कि हम निकलेंगे नहीं।
और हर रोज गाली गलौच हुई, हर रोज उन्होंने धमकियां दी। भारत सरकार ने कहा कि हम हटेंगे नहीं, आपको भी हटना पड़ेगा। और ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला था, प्रेसिडेंट शी के लिए बहुत ही जरूरी था कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत जाए जी। मुझे जो जानकारी मिली थी कि भारत ने जो है, भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग अपने सेना को वापस नहीं, सैनिकों को वापस नहीं ले जाएंगे तो हम जो हैं शायद ब्रिक्स सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। सुनील, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा अनिल के पास ले जाना चाहता हूँ। और अनिल, ये ब्रिक्स समिट एक फियास्को ना हो और डिक्लेरेशन एंड में निकले, क्या इसी को ध्यान में रखकर ये पहल की गई है? बिल्कुल, वो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट शी चाह रहे थे कि विघ्न ना पड़े ब्रिक्स सम्मेलन में। और जैसे सुनील जी ने कहा कि आगे चाइना में भी उनको इलेक्शन फेस करना है, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइट रोप वॉकिंग कर रहे थे कि सम्मेलन भी ठीक रहे, भारत भी खुश रहे, और सम्मेलन निकल जाए तो थोड़ा, जिस तरह से कल से उन्होंने शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को भी गुड ह्यूमर में रखा जाए, तो वो एक चुनाव की तैयारी कह लीजिए, या माहौल ना बिगड़े और अच्छे माहौल में वो भी आगे चुनाव में उतरें तो उनकी ख्याति बनी रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे अपने लोगों के सामने। तो उसी सारे माहौल में ये सारा डिसएंगेजमेंट भी हुआ डोकलाम का और ब्रिक्स भी हुआ। विजय, स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान के फेवर में रहा है। आप चाइना और पाकिस्तान की इस जुगलबंदी को आने वाले दिनों में इंडिया के लिए किस तौर पर देखते हैं, खासकर तब जब आज चाइना ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में क्लीन चिट दे दी, कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। जो अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ जिसपे सुनील साहब ने भी कहा और अनिल जी ने भी कहा कि वो उसकी मजबूरी थी कि वो जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें भी आतंकवाद की बात करे, पाकिस्तान का नाम ले और फिर उसके बाद आतंकवाद पर क्लीन चिट दे। देवीलाल जी हिंदुस्तान के एक बड़े नेता होते थे, ज़मीनी नेता, वो अक्सर कहा करते थे कि ज़मीन के मामले में कब्जा सच्चा, कागज़ झूठा। तो ये सीमा विवादों पर भी तय होता है कि जिसने सीमा पर जहाँ कब्जा कर लिया है वो कब्जा सच्चा है, और बहुत सारी जगह चीन कर रखा है, वो कितने भी डिस्प्यूट चलते रहे उसको खाली कराना और वो सारा काम एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो पाकिस्तान के साथ चीन को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है, जिस तरह से अमेरिका भी इसी रुख को अख्तियार करता है। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई चीज़ नहीं है, भारत को परेशान करने वाली बात है। और दो मोर्चों पर तैयारी 2008 की, जैसे जिक्र किया रमन साहब ने भी, एंटोनी साहब का, तो 10 साल करीब करीब बीत गए 2017, क्या हम उसके बाद भी तैयार हैं दो मोर्चों पर यदि जंग हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए? जी, मेरा मानना है कि चाइना का इंडिया के प्रति बर्ताव ज़रूर बदला है, लेकिन इंडिया को अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी तक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों को लेकर चाइना का रुख सख्त नहीं था, लेकिन ब्रिक्स में जो घोषणा पत्र आया वो चाइना के पुराने स्टैंड से अलग है। यानी बदलाव दिख जरूर रहा है, लेकिन ये बदलाव तभी स्थायी माना जाएगा जब आने वाले दिनों में चाइना बॉर्डर पर उकसाने वाली हरकतों से बाज आए। और अब आज की एक और टॉप स्टोरी का रुख करते हैं। हवाओं में घुल रहा है जहर, आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है। दरअसल एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में वर्ल्ड के 20 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट है। इसमें भारत के 9 शहर शामिल हैं। WHO की यह रिपोर्ट नासा के भेजे सैटेलाइट से जुटाए गए डेटा पर बेस्ड है। टॉप 20 शहर जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं उनमें दिल्ली, पटना, ग्वालियर, रायपुर, अहमदाबाद शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और फिरोजाबाद भी इस लिस्ट में हैं। जहां तक दिल्ली और NCR की बात है तो इस दुनिया के सबसे पोल्यूटेड रीजन्स में से एक माना जाता है। अच्छी बात है कि जल्दी ही यहां पर एक कॉमन एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरू करने का प्लान है। इससे आम लोगों को एयर क्वालिटी के बारे में एडवाइजरी दी जा सकेगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि मेगा सिटीज़ यानी वो शहर जिनकी आबादी 1,40,00,000 से ज़्यादा होती है उनमें दिल्ली की एयर क्वालिटी वर्स्ट है। WHO की रिपोर्ट बताती है दुनिया भर में एयर क्वालिटी के लिए जिम्मेदार PM2.5 की वजह से करीब 40,00,000 लोग मरते हैं। इनमें से 26% मौत इंडिया में दर्ज की जाती है। PM2.5 छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे हैं कि जिन्हें हम आप देख नहीं सकते। ये हमारी सांसों के जरिए लंग्स में जगह बनाते हैं और जहर की तरह काम करते हैं। याद कीजिए पिछले साल नवंबर 2016 का स्मॉग, तब दिल्ली में PM2.5 का लेवल भारत की एयर क्वालिटी के मुकाबले 16 गुना ज्यादा था। ये लेवल 999 माइक्रोग्राम्स तक पहुंच गया था।
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एयर क्वालिटी को पब्लिक हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक माना था और सरकार को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए भी बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में बीजिंग, पेरिस, सिंगापुर जैसे शहरों के मॉडल पर एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि इस साल 12 जनवरी से ये प्लान शुरू भी हो गया, लेकिन फ़ायदा कितना मिला ये WHO की रिपोर्ट से साफ हो जाता है। दिल्ली की आबोहवा में जहर घुलने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ोसी स्टेट्स में फसलों को जलाने की वजह से होने वाला पोल्यूशन रहा है। जाड़ों में इसकी वजह से पोल्यूशन 26% तक बढ़ जाता है। दिल्ली में फिलहाल 15 एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर हैं, जिसमें से सिर्फ 10 फंक्शनल हैं। लंदन जैसे शहर की बात करें, वहां 100 ऐसे मॉनिटरिंग सेंटर हैं, जबकि बीजिंग में 35 हैं। अनिल, ये जो एयर पोल्यूशन की बात है और ये जो स्मॉग का जो भयंकर हम लोग प्रवाह झेल चुके हैं बार बार और बहुत डिस्कशन हुआ है, इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन आपको दिखता है? कहीं इंटेंट की कमी है? कैसे हम आगे बढ़ें? देखिए, इंटेंट की हमेशा कमी रही है। हम लोग तो पिछले 2 दशकों से दिल्ली में इन चीज़ों को रिपोर्ट भी किया, देखा भी, दिल्ली की दुर्दशा होती भी देख रहे हैं। इंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, पॉलिटिकल विल की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लफाजी तो की जाती है, लेकिन एक्शन प्लान जो है वो कहीं ना कहीं पेपर्स पे ही रह जाता है। अब पैमाने तो तय होंगे, जैसे आपने कहा कि फिर कोई पैमाना तय हो रहा है, लेकिन उस पैमाने को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए लोगों को तैयार कैसे किया जाए, उसके लिए आपके व्हीकल्स कैसे बने, आपकी मशीनरीज जो चल रही हैं वो कैसी बने, उस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। अगर इनको इसको टैकल करना है तो फुल प्रूफ एक प्लान होना चाहिए, जिसमें पैमाने तो तय हों, पैमानों को कैसे अचीव होगा, गाड़ियाँ कैसे उनको एफिशिएंट बनाया जाएगा, फ्यूल एफिशिएंट हों या जिस तरह की भी हों, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, वो सारा एक तो मुझे लगता है हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं इसमें। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने कहा भी, तो उन्होंने कुछ इंगित भी किया है सौर के साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को वार्न किया रादर कि आप डीजल और पेट्रोल की कारों के अलावा आप कुछ और भी बनाने की सोचें या इनको मॉडिफाई करें। तो मुझे लगता है ये एक वॉर फुटिंग पे करना होगा, ताकि मशीनरीज वैसी बने, इंजन्स वैसे बने जिनका एमिशन कम हो, जो पोल्यूटेंट्स कम छोड़ें हवा में, और इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ वॉर फुटिंग पे हो। विजय, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और एक और तो हमें सब पता है कि जिस हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बीच जो रिश्ते हैं वो इतने ख़राब हैं, और उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है, समन्वय की कमी है। लेकिन दूसरी ओर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वो एक अलग लेवल की बात है। लेकिन जब दिल्ली का ही ये हाल है, जब वो हमारा कैपिटल है, तो बाकी का क्या होगा? और ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ही भयानक हैं। बिल्कुल, आंकड़े बहुत चिंता वाले हैं, और राजनीतिक जो विवाद है, राजनीतिक जो दूरियां हैं, वो अलग चीज़ है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, केजरीवाल साहब भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी, दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में उसके अलावा 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, हम जैसे आम आदमी भी, उन सब के लिए चिंताएँ होनी चाहिए। एक शेर होता था कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो दिल्ली की हालत तो ये है कि जो हमारे कमज़ोर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उसकी मुश्किल हो जाती है जीने के लिए, और ख़ासतौर से जो लोग अस्थमा से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए अक्टूबर नवंबर आते आते और जनवरी तक तो इतना मुश्किल होता है कि उनका जीना मुश्किल होता है। केजरीवाल साहब खुद भी खांसी से और अस्थमा से का परेशानी महसूस करते रहे, तो मुझे लगता है कि उनको इस निजी अनुभव को भी दिल्ली की सफाई के लिए काम में लेना चाहिए, और मोदी जी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, और मोदी जी को उनका समर्थन करना चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरह से सेंटर ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था और साफ सफाई को एक मिशन के तौर पर लिया, उसी तर्ज पर एयर पोल्यूशन रोकने के लिए भी मिशन शुरू किया जाना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए, तभी दिल्ली हो या मुंबई हमारी आबोहवा सांस लेने लायक रहेगी। अक्सर सबसे ज़्यादा लापरवाह हम पोल्यूशन के मामले में होते हैं, क्योंकि ये हमें तुरंत अफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये वो साइलेंट किलर है जिसके बारे में हम जितनी जल्दी जागें उतना बेहतर होगा। अब आगे देखते हैं आज के दिन बीते वक्त के पन्नों में क्या था खास। बात आज के इतिहास की एक आवाज जो आपके जहन में हमेशा बसी रहती है, वो आवाज जिसे आप हर पल गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं देश की मशहूर गायिका आशा भोसले की। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली में 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा जी ने 1943 में पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाने गाए, जबकि 1948 में पहली हिंदी फिल्म के लिए गाने गाए।
आशा जी अब तक 16 से ज्यादा भाषाओं में 15,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। 1997 में आशा जी ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट की जाने वाली पहली इंडियन सिंगर बनी। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाली सिंगर के तौर पर उनका नाम 2011 में गिनेस बुक में दर्ज किया गया। उम्मीद है एडिटर्स चॉइस का शो आपको पसंद आया होगा। इसी अंदाज और मिजाज के साथ अब सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर, सी यू, गुड नाइट इंडिया। जाते जाते आपके लिए एडिटर्स एक्सप्रेस। गुरमीत राम रहीम के सिरसा मुख्यालय डेरा सच्चा सौदा की तलाशी के दौरान जो सामने निकल कर आ रहा है उससे सुरक्षा एजेंसियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तलाशी के दौरान दो रूम कैश से भरे मिले जिसे सील कर दिया गया है। तलाशी के दौरान ओबी वैन, बिना नंबर की लेक्सस कार, बिना लेवल की दवाएं भी मिली हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में कैश, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए के छापों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इन छापों का मतलब तभी है जब एनआईए को इससे कुछ हासिल हो, नहीं तो ये माना जाए कि ये महज डराने की कार्रवाई है। गौरी लंकेश हत्या मामले में कर्नाटक सरकार ने इनाम की घोषणा की है। राज्य सरकार ने हत्यारों का सुराग बताने वाले शख्स को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु की रहने वाली गौरी लंकेश के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे की लाश स्कूल के एक टॉयलेट में मिली है। मृतक बच्चे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि छात्र की हत्या गला रेत कर की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दार्जिलिंग के लाल चौक में प्रदर्शन कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक हिंसक हो गए जिससे वहां मौजूद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चंद दिनों के अंदर 8 मरीज की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। परिवार वालों का आरोप है कि मरीज को एक्सपायरी ब्लड चढ़ाने से मौत हुई है। जूनियर डॉक्टरों ने ब्लड पैकेट की जांच की तो पता चला कि खून के पैकेट पर लिखी गई तारीख से छेड़छाड़ की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दरभंगा अस्पताल में लाल खून का काला खेल तो नहीं चल रहा है। बिहार के बक्सर में पाइपलाइन से हजारों लीटर तेल चोरी करने की खबर मिलते ही सनसनी मच गई। बरौनी से आगरा की ओर जा रही पाइपलाइन में इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। पाइपलाइन से रिसाव अब भी जारी है। प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही हरकत में आई, लेकिन तेल चोर अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। शिल्पा शेट्टी की फोटो खींचने के लिए पहुंचे एक फोटोग्राफर की जमकर पिटाई की गई। घटना उस वक्त हुई जब मुंबई के एक रेस्तरां में शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा के साथ डिनर पर गई थी। रेस्तरां से बाहर निकलते ही कुछ फोटोग्राफर शिल्पा की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेस्तरां के 2 बाउंसरों ने फोटोग्राफर पर हमला कर दिया। दोनों बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारा झटका दिया है। अमेरिका ने पाक के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हबीब बैंक को न्यूयॉर्क में बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। बैंक पर टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई की गई है। बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। कैरेबियाई द्वीप में इरमा तूफान की तबाही अब भी जारी है। तूफान से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों मकान तूफान की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फ्लोरिडा और पड़ोसी जॉर्जिया के तटीय इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। हालात का आलम यह है कि पिछले 12 सालों में अमेरिका में ऐसा नहीं देखा गया।